तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना। कबीरा, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। मन निर्मल होता है अन्न निर्मल होने से। सावधान, चाहे जो खाना नहीं चाहिए, चाहे जहां खाना नहीं चाहिए, भंडारा तो कदाप नहीं खाना चाहिए, भूल के भी नहीं खाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए। भगवत प्रसाद, प्रभु प्रसाद, सुचि सुभग सुभाषा, तुम्ही निवेदित भोजन। भगवत प्रसाद, कल क्या जनकपुर में प्रसाद किशोरी जी का मिला भाई जी, आनंद आ गया। इच्छा करी और खाते ही चले जाओ प्रसाद। ओह बड़ा आनंद हुआ, आपका बड़ा स्मरण कर रहे थे लोग, बहुत आनंद आया। हमारा जीवन भी प्रसाद है। देखो, प्रसाद पाना चाहिए और प्रसाद में रहना चाहिए। एक प्रसाद करते हैं भगवत प्रसादी, दूसरे प्रसाद करते हैं महल। महल किसका? श्री राजा राम सरकार का, मैया श्री जी का। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन करत मन हरसन, कोटि काम छवि लाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे। महल में रहना, ठाकुर ठकुराइन के महल में रहना, राजा रानी महारानी के महल में रहना, भगत का स्वभाव। ये मन पर चल रहे हैं हम लोग, इस वर्ष मन पर चल रहे हैं। मन को कहाँ लगाना है? या तो जहां हम चाहते हैं कि भगवत कृपा प्राप्त हो, परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, लेकिन प्रेम पथ की आचार्यां गोपिकाओं ने, जो प्रेम पंथ की आचार्यां हैं हमारी, श्री जी ने मन उन्हीं में लगा रखा। महात्मा उद्धव जी आते हैं तो गोपियां कहती हैं, श्री जी कहती हैं, उद्धव मन न भये दस, एक रहयो सो गयो, श्याम संग को अवराधे ईश, उदो मन न भये। सुरेंद्र बाबू, एक मन एक इष्ट एक निष्ठ, इष्ट एक हो, निष्ठ एक हो, वरिष्ठ एक हो, कनिष्ठ एक हो, एक इष्ट। गाएंगे सुनेंगे समझेंगे आप, एक इष्ट के आश्रय में रहो, मन को भटकाओ नहीं। क्यों? मन जिसमें रमेगा उसी में हमारी अंतगति है। बाली ने क्या कहा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत ना। मन जहां रहेगा अंत में वहीं में प्रवेश कर जाएगा। मन कहां रहना? अतो सीताराम जी रो प्यारे रज धानी लागे, हाँ रज धानी लागे, मोहे मिठो मिठो सजुरी रो पानी लागे, सीताराम जी के प्यारे रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मिठो मिठो सजुरी जैसे राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले, जैसे राम दंडवत भैया मधुरी बोले, सब मधुरी बानी बोले, करे कीर्ति
मगन मन गली गली में डोले सीता राम नाम धुन प्यारे मन सीता मीरा मन सीता मीरा करते सब पी कर श्री हरि रस को पी कर श्री हरि रस प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब पी कर श्री हरि रस को पी कर श्री हरि रस धनराजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको जिसको मात पिता रघुराजिया महारा तत्वबोध में लगा रहे चिंतन प्रभु के गुण का स्मरण प्रभु के धाम का जप प्रभु के नाम का दर्शन प्रभु की लीलाओं का लीला माधुरी में नाम माधुरी में दाम कल्प में इसमें लगे रहेंगे आया राम गया राम जाया राम सोया राम लिया राम दिया राम जाओ राम। जब एक रस रहेंगे अरे साहब क्या बात आपसे अधिक कोई भाग्यशाली नहीं है। देखिए भगवान पशुपतिनाथ देव जो सुनना चाहेंगे वही कहवाएंगे क्योंकि लक्ष्य बाबा पशुपतिनाथ को कथा श्रवण कराने का है जीव को कथा श्रवण कराने का अर्थ नहीं है। हम आप अपने अति कठोरतम दिनचर्या व्यस्ततम समय से तन मन धन सब समेट कर यहां आए तो बाबा की सेवा है और बाबा जो श्रवण करना चाहे हम आप उसका स्मरण करेंगे। आज मानस महिमा में रहेंगे कल बाबा का पावन विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आज हम निर्णय करेंगे बाबा की सेवा में हम लोग एक घंटा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। कब करेंगे ये हम आज रात को सबको सूचित करवा देंगे पीयूष जी से। उस समय बैठ के हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन बाबा को बड़ा प्रिय है। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु वनंग दिन रात आप एक ही भाव में रहते हैं तो हम लोग स्मरण करेंगे और फिर आज रात को सबको दिनचर्या प्राप्त हो जाएगी। प्रयास यही करें व्यवहार करें नौकरी करें व्यापार करें बुद्धि वासनात्मक रहे अथवा व्यवसायिकात्मक रहे हमारा जीवन कहाँ रहे आ तो मन को उठाकर भगवत भजन में रखा जाए मन को इधर उधर न लगाया जाए। मन का ही सब खेला है जो खेल है वो मन का है। मन जिसका शुद्ध बुद्ध है मन जिसका भजन में है मन जिसका भगवत नाम संकीर्तन चिंतन धाम लीला रूप माधुरी में लगा है वो भाग्यशाली है। मन को घसीटना है मन को गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही
मन को हाथी कहा है। हाथी वो नकली वाला नहीं, हाथी भड़का वाला। मन कर विषय अनल बन जर स्वामी जी महाराज कहते हैं मन करी मने हाथी, मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। जो सुखी होना चाहता है वह इस दिव्य मानस के मानस सरोवर में इस मन रूपी हाथी को छोड़ दे, इसको ठंडक मिलेगी, ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हो ये सुखी जो ये सर पर जो इस सर में परना चाहता हो, स्नान बनाना चाहता हो अथवा प्रवेश चाहता हो, उसके लिए उपाय क्या है? सो सत्संग करिय मन लाई, मन लगाकर सत्संग करे। सत्संग कोई कराएगा नहीं, करने खुद जाना पड़ता है। हम कथाओं में कहते हैं सूचना दो, किसी को लेके न जाओ, लेके चले गए तो आप बैठो उत्तर तो उसको बिठाओ दक्षिण, 3 घंटा ऐसा बैठो कि वो देखे ना, ना आप उसको देखो। कहे कुछ जरूरी बस बैठा रहेगा, कुछ नाप न दिखिएगा तो मजबूरी बस बैठा रहेगा। और जैसे आपने देखा आंख मिली, चलो काहे भाई 3 घंटे के लिए लाए थे, नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, इतना नहीं है भगत है, चलो। बाबा ने क्या अद्भुत मंत्र बताया, जो सुखी होना चाहता है वो मन लगाकर सत्संग करे।